अपने आपको यूनिफॉर्म और शोल्डर्स पे स्टार्स को देखना बेसिकली सभी यंगस्टर का सपना होता है। वेल, मैं बात कर रहा हूं जेकेबी सब इंस्पेक्टर की, और अगर आपका भी यही सपना है तो इस सपने को साकार करने के लिए जे एंड के में सिल्वर एजुकेटर अवार्ड से सम्मानित जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल आप सबके लिए लेके आया है फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम। और ये फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टॉल करना है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, आप लोगों देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल ऐप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको बैच पे जाना है, बैच पे जाने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और वहां आपको बैच कोड प्लेस करना है JKPSI, डालने के बाद ओके कर देना, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी एंड आफ्टर दैट हम अप्रूव कर देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा काम करना है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है विदाउट एनी कॉस्ट। तो मिलते हैं फ्री बैच में, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं JKSSB की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे यहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले बात करें JKSSB की तरफ से आपकी आंसर की जो है वो आउट कर दी गई है। यहाँ पे आपके जो CBT फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट करवाए गए थे 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आपके जो CBT फॉर्म में यहाँ टेस्ट हुए थे उसकी जो आंसर की है JKSSB ने अपने ऑफिशियल वेब पोर्टल पे जो है आउट कर दी है। तो आप सिंपली JKSSB की वेबसाइट पे विजिट करके अपना जो आंसर की है वो चेकआउट कर सकती हैं। तो जिनके एग्ज़ाम्स यहाँ 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक यहाँ पे उनके एग्ज़ाम यहाँ चले हैं, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर की जो है वो देख सकते हैं। साथ ही JKSSB ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ आपको ऑब्जेक्शन वगैरह करना है तो आप यहाँ पे और 3 नवंबर से लेके यहाँ पे 7 नवंबर तक अपना जो ऑब्जेक्शन वगैरह अपना जो क्लाइम वगैरह वो कर सकते हैं। अगर आपको किसी में मिस्टेक वगैरह लगती है या आपको लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह में आपका सही है या कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उसके लिए क्लाइम वगैरह कर सकते हैं। क्लाइम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस JKSSB ने दी है कि आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, बैच नंबर, यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड शो करना है, रिस्पॉन्स आंसर की आपने जो शो करनी है, उसके बाद आप जो अपना क्लेम वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो आप सिंपली इस PDF को खुद रीड आउट कर सकते हैं जिनको क्लेम वगैरह करना है। क्लेम आप 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक जो है अपना ऑब्जेक्शन वगैरह जो कर सकते हैं। सेकेंड अपडेट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है आपकी आपके जो CVT फॉर्म में यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं JKSSB सेकेंड फेज आपका ये जो है आपके टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं JKSSB। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिविजनल कैडर UT आपके जो सेकेंड फेज के यहाँ टेस्ट जो JKSSB कंडक्ट कराने जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे आपके जो टेस्ट है UT कैडर डिविजनल कैडर आपके जो टेस्ट JKSSB यहाँ पे सेकेंड फेज में कंडक्ट होने जा रही है। 15 नवंबर से आपके टेस्ट यहाँ पे जो JKSSB कंडक्ट होने जा रही है। तो सिंपली इस PDF को डाउनलोड कीजिए देन चेकआउट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नोटिफिकेशन नेम, आपका नेम, आपको फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम, टेस्ट डेट एंड कहाँ पे आपने आना है वो सारा डाटा JKSSB ने इस PDF में जो है दे रखा है। तो सिंपली आप इस PDF को डाउनलोड करके खुद चेकआउट कीजिए जिन्होंने भी सेकेंड फेज में जो एग्ज़ाम वगैरह आपने देने हैं। तो काफ़ी लेंथी है, 617 पेजेस का टोटल ये PDF है। तो जाके JKSSB की वेबसाइट पे विजिट कीजिए देन चेकआउट कीजिए। तो ये थी JKSSB की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।